दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों हम लेकर के आए हैं सावन के चौथे सोमवार को कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ संगम नगरी प्रयागराज के उसी स्थान पर अरैल में, जहां पर आज गहरेबाजी प्रतियोगिता का कुछ अलग सा क्या रुतबा होने वाला है। तो आज दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ठीक उसी प्लेस में अरैल ओवर ब्रिज के नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अभी से भीड़ लगना चालू हो गया है, और दोस्तों आज कुछ नया हट के होने वाला है, तो आज देखना ना भूलिएगा और नज़रों को गड़ाए रखिएगा इस गहरेबाजी प्रतियोगिता में। जैसे आपके सामने देखिए तूफान है, बुलेट है, सारे लोग यहाँ पर आना चालू कर दिए हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुकी हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज गहरेबाजी प्रतियोगिता में सावन के चौथे सोमवार को आ चुका है लखनऊ से बुलेट राजा, और बहुत ही जैसे कि आज शायद रेस लगाने में माहिर होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आज बुलेट राजा ही बताएगा, जो लखनऊ से आया शायद पहली बार आया है। लखनऊ से हम हमारे नपू जच्चे आए हैं, आए सब जितने इलाहाबाद में घोड़े सब अच्छे हैं, सबके लिए आए। उसके बाद में अपने घोड़े के लिए आए, जितने घोड़े सब भाइयों को बढ़िया हैं, इस घोड़े के लिए और ज़्यादा आए हम लोग। हमारे चचा हैं, इन्होंने हमारे लिए घोड़ा भेज दिया लखनऊ से, और इनका बहुत शुक्रिया। तो आज आप गहरेबाजी प्रतियोगिता में पहली बार आए हैं, कैसी रेस होने वाली है क्या बता सकते हैं? नहीं, रेस में तो हम बहुत आए हैं, ये पहली चक्कर नहीं, हम बहुत हर सोमवार से आ रहे हैं, मगर ये घोड़ा आपकी सोमवार आया है। अच्छा, पहली बार आया? हाँ, ये घोड़ा पहली बार आया। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि लखनऊ से बुलेट राजा आ चुका है, और आज इनका जो है बुलेट की दौड़ हमें देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉप ऑफ एकदम से आने वाला है 15 अगस्त, और 15 अगस्त आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए झंडे भी आ चुके हैं, और आज सुल्तान के गाड़ी में देखिए लग चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों सावन का चौथा सोमवार सुल्तान घोड़ा आ चुका है, और आज कैसा रेस लगाएगा आइए हम जानकारी लेते हैं। बेटा ये रेस नहीं है, ये शो मैच है, बारी बारी घोड़े हाँके जाते हैं और देखने वाले ये अंदाज लगाएं कि कौन घोड़ा अच्छा चल रहा है। ये कोई रेस नहीं है, ये शो मैच है बेटा, इसके बाद हम अनाउंस करेंगे कब रेस हो। तो भाई वाह, आज रेस लगाने के लिए इस सावन के चौथे सोमवार को एक से एक यहाँ पर घोड़े आ चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा आज वीडियो में, बहुत यहाँ पर घोड़े आ चुके हैं सावन के चौथे सोमवार को। तो दोस्तों आज मिर्जापुर से एक और घोड़ा आ चुका है रानी नाम का, जैसे कि आपके सामने कुछ ही पल में ये भी आज रेस में भाग लेने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा, आज रेस ही रेस होने वाली है और मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सावन के चौथे सोमवार को मीरापुर से रसूलपुर फैज नाम का घोड़ा भी आ चुका है, और शायद आज बहुत मज़ा आने वाली है, और यहाँ पर काफ़ी भीड़े भी लग चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही, नज़रें उठाकर देखिए चाहे पुल पे देखिए चाहे जिधर भी, आज बहुत ही भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तूफान नाम का घोड़ा भी आ चुका है, और आज तूफान का कैसा प्रदर्शन होगा ये तो देखना ही पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाह ये तूफान है, और तूफान के सारे लोग तूफान की तरह यहाँ पे रेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी भीड़ लग चुकी है इस तूफान के साथ, और दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में क्योंकि आज तूफान का रेस ज़रूर देखना है। देखिए तूफान में बुलेट राजा आगे जाता है या तूफान जाता है। वाह भाई वाह, 15 अगस्त 2024 आज आप देख सकते हैं कि इन तांगों में 15 अगस्त पे झंडा लहरा रहा है, और उसके पीछे तूफान भी आ रहा है अपने तूफान का कला दिखाते हुए, और आप देख सकते हैं कि पीछे कितने घोड़े लगे हुए हैं इस रेस में, एक पर एक आए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं मिर्जापुर लखनऊ प्रयागराज, प्रयाग के कोने कोने से रेस लगाने के लिए घोड़े आ चुके हैं, और यहाँ पर लगता हो चुका है बवाल। आइए देखा जाता है क्या हो गया बवाल में। ये आखिरी मरतबा है, ये महाराज का कहना है हमारे
ये गाड़ी के रेस में घोड़े नहीं दौड़ पाएंगे, ये न हाकेंगे न हाकने देंगे, रास्ता बंद कर रहे हैं भाई। हर बार की तरह भाई आप लोगों ने मना किया जाता, आप नहीं मानते हैं। दोस्तों आज तांगा रेस में हो चुका है बवाल गाड़ी वाले और कबूतर वालों, क्योंकि तांगा वाले आगे नहीं बढ़ पा रहे कबूतर और गाड़ी की वजह से। दोस्तों बस फैसला कुछ ही देर में आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। क्या होने वाला है नजरें गड़ाए रहिएगा, क्योंकि भाई रेस शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हो गया एक छोटा सा बवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है, लोग एक दूसरे तरफ नज़रें गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं। चलिए कुछ ठीक हुआ, सब नॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों आज इस गहरेबाजी प्रतियोगिता जो हो रही है उस रेस में घोड़ों ने भाग लिया, लेकिन हमारे सुरेंद्र भाई व्यू जंक्शन से आज हमारे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आज इन्होंने भी घोड़े का रेस खींचने के लिए स्पेशली यहां पर आए हैं। क्यों भाई? आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है प्रयागराज में, तो भैया के साथ बहुत मज़ा आता है। दोस्तों राका घोड़ा पिछली बार की अपेक्षा इस बार और भी रेस में भाग लेने के लिए आ चुका है और बहुत ही तेज दौड़ रहा है यहाँ पर राका घोड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही तेज भाग रहा है, वाह राका घोड़ा वाह।
दोस्तों शाम को बज रहा है 6 और सावन का चौथा सोमवार को हो रहा है गहरेबाजी प्रतियोगिता का रेस खत्म। और दोस्तों यहां पे बरसने लगा पानी, और जैसा कि जितेन चला रहा है गाड़ी और बरसने लगा है पानी। क्यों जितेन, तो शायद सावन का पांचवें सोमवार को शायद रेस बहुत अच्छी होने वाली है और प्रतियोगिता में दोस्तों बने रही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बरसने लगा है पानी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाह भाई वाह वाह बुलेट राजा वाह, क्या बात है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज बुलेट राजा ने क्या कमाल कर दिया इस लखनऊ से आकर के इस रेस में भाग लेकर के। और जैसा कि माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है आज देख करके यहां पर संगम नगरी प्रयागराज में बुलेट राजा के रेस को। वाह भाई क्या बात है, कितना देखिए हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। दोस्तों शाम को बज रहा है 6 और सावन के चौथे सोमवार का गहरेबाजी प्रतियोगिता का रेस यहीं हो रहा है समाप्त। और दोस्तों आज बहुत ही कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ मिलते हैं सावन के पांचवें सोमवार को। दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्योंकि सावन के पांचवें सोमवार को बहुत ही संघर्ष भरा मुकाबला होने वाला है इस गहरेबाजी प्रतियोगिता में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सावन के पांचवें सोमवार को।